का मेरे पास मैसेज आया था और मैंने उसको उनसे पूछा कि कहाँ हूँ, मैंने बोला कि मैं नहीं आ रही। अब देखते हैं उसका रिएक्शन जाकर क्या होता है। मैं काफ़ी सारी उसके लिए चीज़ें ली हैं, खाती हूँ अगर दिख जाए। अब देखते हैं कि उसको कैसा लगता है। काफ़ी महीने बाद हम मिल रहे हैं और देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है, वहाँ जाके दिखाती हूँ। अब हम ईमान के घर के करीब हैं और दूर है। हाँ, पापा मुझे बता रहे हैं हाईवे से हम टर्न हो रहे हैं। ईमान तुमने बहुत दूर घर लिया है वैसे। कोई बात नहीं, काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे थे, महीनों बाद। तो दिखाते हैं आने वाले घर। बस देख लिया है। वैसे मुझे सरप्राइज देना था लेकिन ईमान ने देख लिया। ईमान आ रही है गेट खोलने। ये री हाय, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? करो जल्दी, आ रही हूँ ना, मिलना है भाई, इनको मिलना है मुझसे। कैसी हो? हाय गाइस, चलो भाई ऊपर जाके दिखाएंगे। बाय। हाँ भाई, ब्लॉग है। गाइस, ये मनहूस औरत मेरे मुझसे मिली है 6 महीने के बाद। उसको बिल्कुल मैं याद नहीं आई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी न्यू फ्रेंड्स बन गई थी ना बोल में। म्यूट कर देना ये, ठीक है? तो इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, इसने मुझे हर जगह से हटा दिया था और मुझसे मिलना छोड़ दिया था। मैं उसको मैसेज भी करती थी, मुझे रिप्लाई नहीं देती थी। नहीं, क्या मसले हैं इसके साथ? वाह ईमान, वाह, क्या खा रही है अभी? आप चॉकलेट लेंगे? अच्छा, और ये जो आपने इतनी बड़ी राम कथा सुनाई है, ये सच है? फिर आंखों में आंखें डाल के कैमरे की। कोई बात नहीं, ईमान के फैंस देख रहे हैं, मेरे फैंस देख रहे हैं कि ईमान क्या लगाना चाहती है। ब्रेकअप सॉन्ग, ब्रेकअप सॉन्ग। यस यार, लड़का, आई मिस यू। तुम हो नहीं वैसे। हमें तो कभी मिस नहीं किया आपने। अच्छा, मिस किया है जब ही मैं आज आपके घर, आपके पास, आपके सामने नजरों के बैठी। इतना बुरा चमाट मारूंगी ना आपको। आपको मैंने बुलाया तो आप आई, वरना आपको कोई जहमत पेश नहीं आई थी कि आप आए। हाँ, ये तो है वैसे, इट्स ट्रू। नहीं, सारी बातों की एक बात, ये बात तो सच है। चलो, कुछ बेवफा लोगों से ही बेवफाई सीख गई है। लेकिन वफा मुझ में है। अब लोग जाने, हमें क्या पता भाई। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ, जा रही हूँ। क्या है ये मान? चमचम, मेरा रिश्ता पक्का हुआ, उसकी मिठाई है। खिलाओ और खाओ, मेरा रिश्ता पक्का हुआ। तो ब्लॉग बन रहा है अभी जो है, कुरान पढ़ा। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने आयते करीमा पढ़ी है, चिया पे, चिया जो होती हो। सही है, वो हमने पढ़ लिया। अब बाहर चल रहे हैं और हम लोग उठ के अंदर आ गए। हमने अपने हिस्से का पढ़ लिया था, तो बस आधे घंटे में फिर हम टीवी पे कुछ लगाएंगे, फिर हम अपने सीन्स ऑन करेंगे। वो ब्लॉग में दिख जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि बस इतना कहना चाहूँगी कि बड़ा मज़ा आ रहा है यार, लोगों की हट रही। क्यों ईमान, पूरी जगह से हिल जाएंगे लोग, हटेंगे नहीं उनकी। हाय दादो। कैसी हैं? ये खाओ, खाओ ये। इग्नोर कर दिया। दादो थक गए यार, बैठे बैठे थक गए यार। मैं बता, मेरे कमेंट में दादो गए लेट जाए। ख्याल रखो ना दादो का भी। आपको किसने बुलाया मैंने? बस वेट अ मिनट। चलो। हाँ तो गाइस, अभी तो खैर मैं बैठी हूँ कमरे में और ईमान फ्रिज में से कुछ निकाल लिया। ईमान, ईमान
मन को। मेरे को अब ऊपर वाला फ्रिज खोल रही है, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। खैर लाइबा नहीं है, लाइबा को इतना मिस कर रही हूँ। लाइबा गई हुई है शूट पे, और अगर होती तो मज़ा आता काफ़ी हम लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, रुकेंगे, ऐसे भी अब मिलते ही रहेंगे इंशाल्लाह। और बहुत भूख लग रही है मुझे, और ईमान वही कुछ लेने गई है। अब देखो ईमान क्या लेके आती है, और ईमान आ रही है, एंड ईमान को कुछ मिल गया। ये देखो मम्मा कह रही खाना आ रहा है, जब तक तुम ये खा लो तुम्हारी भूख थोड़ी ख़त्म हो जाए। जान कैमरा खोलते ही अच्छी हो जाती। अयान का मैसेज आया मेरे पास। अयान खान? हाँ अयान खान, और कौन सा है? नहीं नहीं जिलानी, जिलानी जिलानी भाई, जिलानी बहुत याद कर लिए ये तुम्हें। खैर कोई नहीं, देखो चले मन। जीता है मन, गेम हमने एंड में हाथ मार के खराब कर दिए। मैं जीता के मेरा जो घर था ना, उस पर लॉकडाउन लग गया था, वो खुल लिया और हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। मेरे कितने आए, मेरे कितने आए, क्या कितने आए थे मेरे, क्या तो अभी फिलहाल हमें भूख लग रही है और हमें समझ नहीं आ रहा, और हम क्या करें जब तक खाना नहीं आता। तो सांस 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 लो ईमान, घर की चाबी बाहर फेंकी हुई है, वो मैं वो लाता हूँ, वो फेंक दे। वाह यार, हाँ सांस यार, 2 रुपए का खाना है? कैसे लोग हैं यार ये? ऐसी यार थोड़ा मेकअप हो जाएगा इसमें। अच्छा खैर गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं शराब, अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और घर में हम दस्तरखान छोड़ा, हम दस्तरखान लगाएंगे, और देन फरियानी देखें लाइट पकड़ के खड़ी है, और वो दो हर ढराम बॉयज हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे, क्योंकि बॉयज कोई काम नहीं करते। 2 घंटे मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया चीज उठानी है। गुड वो जो हाँ बेबी कहाँ पर हो, मैं फाइव स्टार होटल में आई हूँ बेबी, और देख चलो अब हम जा रहे हैं खाना खाते हैं, फिर खाने के बाद आपको मेरे कमरे में मिलते हैं, फिर हम पार्टी करेंगे, और फिर सब आपको दिखाते रहेंगे हम आपको, ठीक है? बाय। हाँ रखो अभी गिर जाती है ना, और बस अब ले जाऊं और मैं जाके वहां बैठ जाऊं। आओ बेबी खाना खाए, मैंने कहा आने तो आज तेरे देख से खाना कौन निकालेगा। हाँ तो वो ये निकालेंगे 2 निकम्मे जो भूख लग रही है, देख से खाना नहीं निकल रहा है, अजीब अजाब हो गया। 2000 years कर लोगे मिक्स ओवर एक्टिंग नहीं खत्म हो रही है लोगों की, सही बताओ।
आ चुका है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे खाने पे? खाने की खुशी मेरा तो खुशी। अपन खाना खा रहे हैं गाइस, खाना खा के ही आपको दिखाएंगे कमरे में कि क्या हो रहा है। बाय। और आप देख सकते हैं हमने फुल भाई गाने लगाए हुए हैं, फुल भाई गाने लगाए हुए। खैर बड़ा मज़ा आ रहा है यार ईमान के घर पे। वैसे हम आए दोपहर में, कुरान खानी थी, हमने सिपारा वगैरह सब पढ़ा और अब जो है जाने का टाइम हो गया है। लेकिन खैर अभी तो नहीं आए पापा और ईमान के साथ फुल चिल सीन हुआ है। ईमान पता नहीं किन ख्वाबों में डूबी हुई है। किसके ख्वाब में आप? मैं कुछ सोच क्या सोच रही हैं आप? आपको पता तो है गाइस, अब मैं जा रही हूँ, मेरे जाने का टाइम हो गया है। और तुम्हें जो मैंने काम बोला था वो कर लेना प्लीज़। वो तो ऐसा काम होगा इंशाल्लाह, वो कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अल्लाह ब्लश ना समझ गए होंगे इस ब्लश की कहानी। तो खैर ईमान कैसा लगा काफ़ी टाइम? आप बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले हैं। नेक्स्ट प्लान जो है ना, मुझे उसमें बहुत मज़ा उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तैयार रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा वो नेक्स्ट प्लान। और ये इस वीक आ जाएगा ब्लॉग? हाँ इस वीक ही आएगा, कल परसों तक आ जाएगा इंशाल्लाह। बस परफेक्ट है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मैं फिर आप लोग से वापस मिलने आ रही हूँ। मैं फरियाल के यूट्यूब पर छा जाऊँगी। बहुत मज़ा आया यार, बहुत ज़्यादा जा रही है। इसको मैंने बोला भी रुक जाओ कि रुक जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। और व्लॉग में ना और भी लोग अभी देखेंगे ईमान के साथ साथ। इंशाल्लाह बाय, इंशाल्लाह। चलो यार अल्लाह हाफिज़, बाय। हाँ तो गाइज ये था मेरा व्लॉग का एंड। और आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम के डीएम में कि मेरा व्लॉग कैसा लगा ईमान के साथ। काफ़ी महीनों बाद हमने बनाया व्लॉग, फर्स्ट ही व्लॉग है मेरे इसके साथ तो। क्योंकि हम लास्ट टाइम जब गोरा गए थे तब भी व्लॉग बनाया था लेकिन हमने अपलोड नहीं किया था। तो अब ये सीन है कि अब बना लिया है फाइनली। और अब आप मुझे बताएं कि कैसा था व्लॉग, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम लिंक में